हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करेंगे प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मुझे प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठार सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और फाइव और सिक्स सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स सहित फाइव सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस आलोचना कर सारी। आपण मैंने पूर्व भिडियो देखिपारे सहित मुझे कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर मैं आलोचना करी। तो चलत आलोचना कर आज विषय वस्तु सिलेबस मोर चार यूनिट अच्छी। यूनिट वन प्राचीन काल रे शिक्षा वेद ड्यास शब्दर आसी यार अर्थ ड्यास विद शब्दर आसी यार अर्थ जानवा वेद को ड्यास भाग विभक्त तो चारि भाग वेदर अंतिम भागर ड्यास नाम नामित तो उपनिषद सबुठ प्राचीनतम संहितार नाम ड्यास ऋग्वेद यज्ञ सामवेदर पुरोहित को ड्यास बोली कह जाए उद्गाता समग्र ऋग्वेद ड्यास भाग विभक्त तो आठ भाग ड्यास बोली कह जाए अष्टक वैदिक भाषा गद्य को ड्यास कह जाए जजु शुक्ल यजुर्वेदर संहिता को ड्यास संहिता कह जाए जीव सदेय ना बीज सदेय कैशितक्ष ब्राह्मण रे ड्यास टी अध्याय रही तीस षोडश शतक ड्यास उपनिषद निर्मित होता आलोपनिषद सिख शब्दर अर्थ ड्यास अध्ययन करिबा आवृत्ति करिबा अध्ययन शब्दर अर्थ ड्यास निकटतर हेबा बा निकटवर्ती हेबा विनय शब्दर अर्थ ड्यास एक निर्दिष्ट मार्गरे परिचालित हेबा प्रबोध शब्दर अर्थ ड्यास जाग्रत हेबा बा आलोकित हेबा प्रबोध शब्दर अर्थ ड्यास जाग्रत होगा आलोकित होगा वैदिक शिक्षार लक्ष्य ड्यास मोक्ष बा निर्वाण वैदिक जुगरे ड्यास थिला प्रकृष्ट शिक्षानुष्ठान गुरुकुल आश्रम गुरुकुल शिक्षार्थी माने अंटारे परिधान करुथिबा कोटि सूत्रर नाम ड्यास मेखला वैदिक जुगरे ड्यास शिक्षार माध्यम थिला संस्कृत दुहिता शब्द संस्कृत भाषा रे ड्यास शब्द रु आसी दुह संहिता गुड़िकर अध्ययन को ड्यास कह जाए शाखा ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे ड्यास गुड़िक धर्म प्रचार रे प्रधान भूमिका ग्रहण करथिले बौद्ध संघ चाटशाली व्यवस्था ड्यास मानक होइथाय ग्राम्य अणब्राह्मण पवज निमंते स्वतंत्र भाव ड्यास धार्य करा जाए आठ वर्ष ड्यास हूँ विद्यालय प्रवेश अंतिम अभिषेक उपसंपद बौद्ध युगीय शिक्षार प्रथम और प्रधान लक्ष्य हूँ ड्यास निर्वाण प्राप्त बौद्ध युग समय रे ड्यास रु शिक्षादान आरंभ करथिले सुतांत बौद्ध शिक्षा प्रणाली रे गुरु को ड्यास बोली कह जाए उपजस्य नालंदा शब्दर अर्थ अतृप्त दान और स्वल्प दान नालंदा रे ड्यास नामक एक सुंदर पाठागार थिला धर्मगंज ड्यास हिंदू शिक्षार एक प्रधान ज्ञानपीठ थिला तक्षशिला बौद्ध युगरे एक सुप्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र नाम ड्यास वल्लभी पवज्य शब्दर अर्थ बाहरी जीवा बौद्ध मानकर पवित्र सहित ड्यास नाम ख्यात त्रिपिटक बौद्ध युगीय शिक्षादान पद्धति ड्यास द्वारा संपादित होता मौखिक पद्धति नालंदा विश्वविद्यालय रही पुस्तकगार को ड्यास कह जाए धर्म गंगा।
विक्रमशाली विक्रमशिला विश्वविद्यालय ड्यास्को द्वारा प्रतिष्ठा होता धर्मपाल सबुठ प्राचीनतम संहितार नाम कौन ऋग्वेद ऋग्वेद केत विभक्त आठ या अष्टक कहुए यजुर्वेद जो दुई भाग में विभक्त होगुड़िकर नाम कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद वैदिक भाषा गायन को कौन कहुए सामन उपनिषद शब्दर अर्थ कौन ब्रह्म विद्या बा आध्यात्म विद्या गुरुकुल आश्रम मुख्य उपादान कौन कर्तव्य निष्ठ वैदिक युगर नारी मान क्यों दुई भाग विभक्त कर ब्रह्मवादिनी और सद्य बंधु बधु वैदिक युगर क्यों तीन टी पद्धति शिक्षा दान कराए ध्यान स्मरण और आसीन शिक्षादान कार्यर प्रारंभिक समयर अर्थ प्रत्युष संहिता गुड़िकर अध्ययन को कौन कहुए शाखा कर्णाटक क्यों मठ शिक्षार विकास निम्ते अनेक दान करेछि वीर शिवा मठ वेद को क्यों दुई भाग विभक्त करगुड़ कौन कौन मंत्र और ब्राह्मण वैदिक शिक्षार चरम लक्ष्य कौन आत्मोपलब्धि वैदिक युगरे गुरुकुल आश्रम द्वारस्थ होवा पूर्व शिक्षार्थी मान कौन अनुसरण करने को पड़ुला उपनयन प्राचीन भारतीय शिक्षा कौन थी गुरुकेंद्रिक उपनिषद युग को क्यों युग कहुए ब्राह्मण युग बौद्ध शिक्षा प्रणाली रे गुरु को कौन कहुए उपदस्य बौद्ध युगर प्राज्ञ जो तीन भाग विभक्त सेगुड़ी कौन कहुए श्रुतिमयी चिंतामयी और भगवानमयी भावनामय बौद्ध युगीय शिक्षा शिक्षक को क्यों आख्यार आख्यायित कराइला आचार्य नालंदा शब्दर अर्थ कौन अतृप्त दान बा स्वल्प दान बिहार रे मुख्य को दि जाइथिबा उपाधि नाम कौन पंडित तक्षशिला रे क्यों प्रकार शिक्षा प्रदान करा जाइतिला व्यवहारिक और तात्विक बनारस महाविद्यालय रे शिक्षार माध्यम कौन थिला संस्कृत भाषा विक्रमशिला विश्वविद्यालय केउटारे अवस्थित बिहारर मगध राज्य रे गंगा नदी तटरे मिथिला विश्वविद्यालय परवर्ती समय रे केउ नाम रे नामित होतला विदेह दुईटी बा तीनटी वाक्य वेद केउ भाषारु आसीचे यार अर्थ कौन वेद शब्दटी संस्कृत भाषार विद धातुरु उद्भव होईचे यार अर्थ ज्ञान लाभ करिबा वेदर विषय वस्तु को केते भाग रे व्यक्त करा जाय छी कोन कोन दुई भाग रे कर्मकांड और ज्ञानकांड पुरुषार्थ केते प्रकार रो और कोन कोन पुरुषार्थ चारि प्रकार रो यथा धर्म अर्थ नाम एवं मोक्ष वैदिक युग रे केते प्रकार रो शिक्षा अनुष्ठान रही छी कोन कोन तीन प्रकार गुरुकुल परिषद और सम्मेलन वैदिक शिक्षा रे शिक्षा दान को केते भाग रे विभक्त पांच भाग रे श्रवण चिंतन अध्ययन उच्चारण और आलोचना ऋग्वेद रे केतोटी ब्राह्मण रहिची ओ कौन कौन दुईटी ब्राह्मण ऐतिरेय और कौशितिक उपनिषद युग केबे आरंभ होइतिला यार अर्थ कौन ब्राह्मण ओ आरण्यक काल पर उपनिषद गुड़िकर आरंभ होता उपनिषद शब्दर अर्थ ब्रह्म विद्या बा आध्यात्मिक विद्या वैदिक युग शिक्षार दुईट उद्देश्य लेख वैदिक युग शिक्षार दुईट उद्देश्य है व्यक्तित्वर उत्कर्ष साधन और चरित्र गठन करने।
अध्ययन केउठारे देखिबा को मिले एवं यार अर्थ कौन अध्ययन शब्दटीर बहुल व्यवहार विशेषकर ब्राह्मण उपनिषद और सूत्र और साहित्य मानक देखा मिलता है। उपनिषदर अर्थ निकटतर होगा बा निकटवर्ती होगा। गौतम न्याय सूत्र रे शिक्षादान पद्धति क्यों पांचटी नियम को अनुसरण करिछि और कौन कौन ध्यान आहरण अभिज्ञान चिंताधारा सम्मिश्रण और स्मरण। वैदिक जुगरे नारी मानक केते भाग विभक्त दुईट श्रेणी विभक्त। प्रथम श्रेणी नाम ब्रह्मवादिनी और द्वितीय प्रकार नारी मानक सद्यवधु बोली कहुए। वैदिक जुगरे क्यों पद्धति शिक्षादान दि जाता वैदिक जुगरे शिक्षा को बोधगम्य करने तीनोटी पद्धति दि जाता जथा ध्यान स्मरण आसीन। पारिषद कहले कौन बुझ पारिषदर अर्थ हूँ पांडित्य सम्मेलन। राजा मैंने दरबार में पारिषद रखुले जो मान पारिषद सभ्य होते से मैंने उत्तम भाव चारण को बुझी और बुझाऊ। समाधि कौन और ए क्यों विधि उत्पन्न होता है। समाधि साधन तीन प्रकार नियम संपर्क शिक्षाविद अभिहित करनिटी विधि उत्पन्न होता है जथा पूर्वजन्मर स्मृति जीवर उत्पत्ति तथा विनाश सम्बन्धी ज्ञान एवं चित्तर आवीणतार परिपूर्ण। बौद्ध जुगरे क्यों सबू शिक्षादान पद्धति अनुसूत हो बौद्ध जुगरे ध्यान स्मरण चिंतन एकाग्रता गुरु आदेश संयमता आलोचना और प्रश्नोत्तर प्रभृति शिक्षादान पद्धति अनुसूत होता। नालंदा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम क्यों सब विषय अंतर्भुक्त। नालंदा विश्वविद्यालय महाजन बौद्ध धर्म प्राणकेंद्र थिला। एथसहित हीनजान शाखा जैन धर्म बौद्धिक धर्म संख्या वेदांत व्याकरण ज्योतिर्विद्या हेतुविद्या चिकित्सा शास्त्र कला स्थापत्य भास्कर्य और मूर्तिकलार अध्ययन निम्ते व्यवस्था थिला। तक्षशिलार पाठ्यक्रम क्यों सब विषय अंतर्भुक्त। तक्षशिलार पाठ्यक्रम विभिन्न विषय मध्य चारि प्रकार वेद वेदांत दर्शन व्याकरण आयुर्वेद अष्टांग शिल्प सैनिक विद्या भेषज आईन संस्कृति प्रभृति अंतर्भुक्त थिला। बुद्धंकर आर्य अष्टांग मार्ग कौन बुद्ध आशा और तृष्णार अवसाद निमन्ते आठ प्रकार मार्ग निर्धारण करथिले जहाँकि आर्य अष्टांग मार्ग बोली कहुए। सेगुड़िक हैला सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक्य सम्यक कर्म सम्यक जीविका सम्यक आयस सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पंचशील कहले कौन बुझ बौद्ध साधन अनुसार साधारण सांसारिक मनीष तथा भिक्षु आदि प्रत्येक मनीष शील गुड़ी को उपयुक्त भाव पालन करने उचित। एही शिला गुड़िक हिंसा अस्तेय सत्य भाषण ब्रह्मचर्य एवं निद्र निशा द्रव्य भली पांचटी शिला को परिसरभुक्त करिथाय जहाँकि पंचशिला नामरे नामित अटे। वैदिक जुगरे रही तक्षशिला संबंधरे संक्षिप्त लेख। तक्षशिला एक पुरातन प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र जहाँकि वैदिक जुगर शेष पर्यायर शिक्षायतन होते परवर्ती बौद्धिक जुगरे बुद्ध शिक्षा को धारण कर समग्र भारत बर्ष एक ख्यातनाम शिक्षानुष्ठान भाव परिचित होता। एठार तीन प्रकार वेद वेदांत दर्शन व्याकरण समेत अठर प्रकार वैषयिक तथा शिल्प विद्या
सम्बन्धीय पाठ विषय विषय गुड़ी को शिक्षा दिया जाय थेला। पंडित पाणिनी एवं भेष विज्ञानी जीवक और चरक आदि गुणी ज्ञानी माने मध्य एही शिक्षा केन्द्र शिक्षार्थी थिले। पांचटी बा छोरी वाक्य वैदिक शिक्षार लक्ष्य उद्देश्य आलोचना कर। वैदिक युगर शिक्षा आदर्शर मूलद्वा उपरे प्रतिष्ठित। वैदिक शिक्षार लक्ष्य बहुमुखी लक्ष्य और बहुविध उद्देश्य रही सेगुड़िक आत्मोपलब्धि करिबा ज्ञान और अनुभूति आहरण करिबा। ख प्रवृत्तिर संसार आणिबा एवं आध्यात्मिकतार विकास करिबा। ग चरित्र गठन और मोक्ष प्राप्ति। घ व्यक्तित्वर विकास और धर्मर विकास कराइबा। संस्कृतिर संरक्षण और कर्तव्य पालन करिबा। वैदिक शिक्षार पाठ्यक्रम संबंधरे लेख। वैदिक शिक्षार पाठ्यक्रम एक स्वयं संपूर्ण पाठ्यक्रम जहाँकि शिक्षार्थी मानकर सर्वांगीन विकास उपरे गुरुत्व आरोप करूथिला। एहर पाठ्यक्रम मुख्यतः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेदांत संबंधी शिक्षा तथा ज्ञान को मुख्य स्थान देथिला। यह सहित वैदिक व्याकरण गणित दर्शन शास्त्र तर्कशास्त्र ईश्वर संबंधी एक परम सत्य सम्बन्धीय विभिन्न ज्ञानभित्तिक शास्त्र संगीत नृत्य शिक्षा कृषि शिक्षा गोपालन आदि बहु उपादेय शास्त्र मानंकु परिसरभुक्त करिथिला। वैदिक युगर शिक्षानुष्ठान सम्बन्धरे आलोचना कर। वैदिक युगर शिक्षार विस्तार मुख्यतः तीन प्रकार शिक्षानुष्ठान माध्यम संपादित होता। गुरुकुल परिषद और सम्मेलन नाम तीन टी मुख्य शिक्षानुष्ठान थिला। गुरुकुल आश्रम एक आवासिक शिक्षानुष्ठान थिला। गुरु थिले मुख्य परोपकारिता कर्मकुशलता त्याग संयम और श्रृंखला गुरुकुल आश्रम शिक्षार मूलनीति थिला। परिषद गुड़िक शिक्षार्थी मानंकर उच्चतर शिक्षार पिपासा मेंटाउथिला। यह पांच जन रु आरंभ कर एकुश जन पर्यंत विद्वान को पंडित को नहीं गठित होता। वैदिक युगर नारी शिक्षा संबंधी लेख। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था नारी भाई शिक्षा मंदिर द्वारा संपूर्ण भाव उन्मुक्त थिला। तेणु वैदिक युगर नारी मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। वैदिक युगर नारी मान दुई श्रेणी विभक्त करा। प्रथम प्रकार ब्रह्मवादिनी और द्वितीय प्रकार सद्यवधि बोली कहा जाए। गुरुकुल आश्रम रे बालक मानक परि बालिका माने पढ़ीबा निमन्ते समस्त प्रकार जत्न निया जाई थाए थिला। नारी माने विवाह पूर्वरु उपनयन करूथिले। कुमारी माने भय विद्या और धर्म नीति रे अंश ग्रहण करिबाको सुजोग पाउथिले। नारी मानंकु विवाह करी ओ प्रयोग कर शिक्षा दिया जाउथिला। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा मध्य पार्थक्य लेख। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षार शिक्षा मध्य जो पार्थक्य होउछि क वैदिक शिक्षा मुख्यतः धर्म और आध्यात्मिक दर्शन उपरे प्रतिष्ठित होउथिबा बेले आधुनिक युगर शिक्षा मुख्यतः वास्तव जीवन को नहीं प्रतिफलित होबा सहित यह विज्ञान उपरे प्रतिष्ठित होइछि। वैदिक शिक्षार मुख्यतः गुरुकुल एक मात्र शिक्षादान मान्यता पाई बेले आज आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार विकल्प विद्या दि जाऊँगी। वैदिक शिक्षा आम केवल गोटे प्रकार शिक्षा दि जाऊला कि आधुनिक युग में आम विभिन्न प्रकार शिक्षा दि जाऊँगी। वैदिक युग में संस्कृत भाषा को शिक्षादान मध्यम भाव व्यवहार कराधुनिक भाव विभिन्न प्रकार भाषा को शिक्षार माध्यम रूपे व्यवहार करा जाउछि। बुद्धदेव निर्माण प्राप्ति पाई क्यों नीति उपरे गुरुत्व आरोप करुथिले। बुद्धदेव निर्माण प्राप्ति पाई जो नीति उपरे गुरुत्व आरोप करुथिले जथा क परर संपत्ति प्रति लोभान्वित न हेबा। ख हिंसा न करिबा। ग
मादक द्रव्य सेवन न करिबा घ मिथ्यार आश्रय न नेबा असदाचरण न करिबा च नृत्य गीतिरे अंशग्रहण न करिबा ज असमय रे भजन करिबा सुकोमल सज्जारे निद्रा न जिबा अर्थग्रहण असंचय न करिबा। वैदिक युगर शिक्षानुष्ठान सम्बन्धर लेख भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे वैदिक युगीय शिक्षानुष्ठान वैदिक शिक्षानुष्ठान परि स्वतंत्र एवं आवश्यक। वैदिक युगर बौद्ध विहार बा बौद्ध मठ गुड़िक शिक्षायतनर मान्यता लाभ करितला। एही शिक्षायतन रे मुख्यतः बौद्ध श्रम माने संघबद्ध जीवन जापन करुथिले। शिक्षक भूमिकार बौद्ध सन्यासी माने अवतीर्ण होते। एथसत धर्म दर्शन जग विज्ञान चिकित्सा चरित्र गठन इत्यादि शिक्षा द्वारा तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था बेस मोहनीय हो उठला। बौद्ध युगर शिक्षादान पद्धति संपर्क लेख बौद्ध युगर शिक्षादान पद्धति श्रवण चिंतन ध्यान उच्चारण आलोचना इत्यादि भाई शिक्षादान पंथा अनुसरण कराला। प्रकृतर बौद्ध युगर लिखित भाषा पांडुलिपि और पुस्तकर अभाव ही मौखिक पद्धति आलोचना पद्धति प्रश्नोत्तर पद्धति और गणशिक्षा पद्धति को अधिक उत्साहित करूला। यह सहित विद्या मध्यम शिक्षादान कार्य संपादित होता। शिक्षार्थी मैंने स्वतंत्र रु शिक्षादान आरंभ करुले। बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा मध्य पार्थक्य लेख बौद्ध युगीय शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी संघ केंद्रिक होता बेले वैदिक युगर शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षादान अधिक व्यक्ति केंद्रिक होता है। ख बौद्ध युगीय शिक्षा व्यवस्था रे आचार्य शिक्षार्थी संपर्क अत्यंत घनिष्ठ थिले मध्ये तुलनात्मक भाव यह वैदिक युगर गुरु शिष्य संपर्क भाई एतटा निविड़ नथिला। ग बौद्ध युगीय शिक्षा व्यवस्था रे पाली भाषा को शिक्षादान माध्यम भाव ग्रहण करा जाउतिबा बेले वैदिक शिक्षा व्यवस्था रे संस्कृत भाषा को शिक्षादान माध्यम भाव ग्रहण करा जाउतिला। नालंदा विश्वविद्यालय सम्बन्धर लेख बौद्ध युगरे नालंदा विश्वविद्यालय आंतर्जातिक स्तर रे अनेक ख्याति अर्जन करितला। एही विश्वविद्यालय वर्तमान बारगां बिहार उत्तर को 71 किलोमीटर और पाटनार दक्षिण को प्राय 65 किलोमीटर अवस्थित। यार साधारणतः बौद्धदेवंकर प्रिय शिष्य सारिपुतंक जन्मस्थान रे अवस्थित। एठार एक विराट पाठागार रही। एही विश्वविद्यालय रे शिक्षक शिक्षार्थी और अतिथि मानंक पाई रहणीर उत्तम व्यवस्था रही। शिक्षार्थी को शिक्षा देवा निमन्ते ख्यातिनामा शिक्षक नियुक्त पाई। नालंदार प्रवेश विधि अत्यंत जटिल थिला। एठारे अध्ययनर भास्कर्य और मूर्तिकला अध्ययन निमन्ते व्यवस्था रही। एठारे तात्विक जेता व्यवहारिक ज्ञानर विकास उपरे जथेष्ट गुरुत्व आरोप करा जायतिला। तक्षशिला सम्बन्धरे लेख तक्षशिला एक पुरातन प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र जहाँकि समग्र भारतवर्षर एक ख्यातनामा शिक्षानुष्ठान भाव परिचित होता। प्राचीन कालरे तक्षशिला हिंदू शिक्षार एक प्रधान ज्ञानपीठ थिला। एठारे विद्या शिक्षा आरंभ करिबा सर्वनिम्न वयस थिला 16 वर्ष। शिक्षार्थी जेउं विषय रे ज्ञानार्जन करिबा को चाहुथिला सेही विषय रे शिक्षा दिया जाउथिला। एठारे चारि प्रकारर वेद वेदांत दर्शन व्याकरण आयुर्वेद सैनिक विद्या भेषज आईन संस्कृत प्रभृति अंतर्भुक्त थिला। जेउं आर्यगण शिक्षादान करुथिले सेमाने भुवन
ଭୁବନ ବିଦିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଶାରଦ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।